अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ के तहत पाकिस्तान के सैलाब जदगान की इमदाद के लिए $5 लाख का इमदादी चेक हेल्पिंग हैंड तंजीम के हवाले करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम अलायंस और हेल्पिंग हैंड के इश्तराक से किया गया था। तकरीब में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल अब्रार हाशमी समेत मुखैर डोनर जावेद अनवर और तनवीर अहमद ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ पाकिस्तानी अमरीकी ताजर जावेद अनवर का कहना था कि चेक लिखना बहुत आसान है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तले मुतादिद तंजीमों को जमा करके अमली तौर पर इमदादी कामों को अंजाम देना आसान नहीं है। इस मौके पर खिताब करते हुए काउंसिल जनरल अब्रार हाशमी का कहना था कि रियासत टेक्सस के पाकिस्तानी मुखैर हजरात बहुत फराख दिल हैं, जिन्होंने अमरीका से लेकर पाकिस्तान तक हर मुश्किल घड़ी में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। तकरीब से खिताब करते हुए मुमताज़ बिजनेसमैन तनवीर अहमद का कहना था कि अराकीन कांग्रेस के साथ पाकिस्तान के सैलाब जदा इलाकों का दौरा करके तबाही के अलमनाक मनाजिर देखे और फौरी तौर पर बलोचिस्तान में बेघर सैलाब जदगान के लिए 100 रिहायशी यूनिट और माली इमदाद की फराहमी का काम शुरू कर दिया। इस मौके पर पाकिस्तान के सैलाब जदा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन करने वाली तंजीम हेल्पिंग हैंड के जिम्मेदार इलियास चौधरी ने पाकिस्तान में जारी इमदादी कामों पर प्रेजेंटेशन दी। तकरीब से अलायंस के कोऑर्डिनेटर सईद शेख, गुलाम बॉम्बे वाला, वॉल्टर यूलरिच, फिरोज भंडारा, डॉक्टर याकूब शेख, पीजे स्वाति, हारून शेख और दीगर ने भी खिताब किया। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क था जिसे अचीव किया है, वो था टू रेज $1 मिलियन फॉर पाकिस्तान फ्लड रिलीफ एफर्ट्स इन कैश एंड आल्सो $1 मिलियन इन काइंड डोनेशंस के हवाले से। जो हमारी कैंपेन है, जो हमारा रिलीफ एफर्ट है, उसे अकम्पलिश किया है और हमने आज सेकंड चेक $500,000 का इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हेल्पिंग हैंड को दिया, ताकि हम वो काम कंप्लीट कर सकें जो वहाँ जिसका आगाज़ हो चुका है। तो मैं तमाम वॉलंटियर्स का शुक्रगुजार हूँ, तमाम डोनर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उनके ट्रस्ट के साथ हम इस काम को लेके चलें और हमने यह एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश की है कि जो कुछ अचीव किया है और जो कुछ प्लान किया है टू अचीव दिस ईयर। 2 मिलियन की कमिटमेंट फ्लड इफेक्टिव के लिए पाकिस्तान में की गई थी और उसको आज अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ के सीवेंट में हम पूरा करने चले हैं और आज $500,000 का कैश जो है वो हम हैंड ओवर करने लगे हैं हेल्पिंग हैंड को, और इससे पहले $1.5 मिलियन की जो इमदाद है वो ऑलरेडी ग्राउंड पे पहुंच चुकी है। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ सारी पार्टनरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का और बिजनेसमैन का और इंडिविजुअल्स का जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और ख़ासकर से जावेद अनवर का और तनवीर अहमद का। पाकिस्तान में जो पिछले साल फ्लड्स आए, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स, उन हालात में लोगों की मदद के लिए अलायंस ने और हेल्पिंग हैंड्स ने जो काम किया है, पर्टिकुलरली उनके लोगों ने वहाँ पाकिस्तान में खुद रह के कई कई दिन नामसाइद हालात का मुकाबला करके लोगों की मदद के लिए उनको राशन दिया, उनको शेल्टर दिया, अब वहाँ घर भी बन रहे हैं जो प्रॉपर्ली इंजीनियर्ड घर हैं, एक कमरे और 2 कमरे के घर बन रहे हैं। तो ये इतना शानदार काम है कि उसके लिए जितनी भी उसकी तारीफ की जाए कम है। What a wonderful job Alliance is doing, especially Saeed Sheikh. You know, when I grow up, I want to be like him. And अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा भी जरा सा भी कर दें, makes a big difference. And he's doing a wonderful job keeping all of us together. आज हमने $500,000 जो कि देना था हेल्पिंग हैंड को, वो हमने आज हेल्पिंग हैंड को हैंड ओवर कर दिया है। हेल्पिंग हैंड हमारे एक इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है जो कि फ्लड रिलीफ एफर्ट्स के लिए हमारे साथ मिल के काम कर रहा है, और अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इस वक्त ह्यूस्टन कम्युनिटी को और 35 मोर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के फ्लड रिलीफ ऑफ पाकिस्तान विक्टम्स के लिए काम कर रही है। तो आज हमने ये सेरेमनी की थी जिसमें हमने $500,000 जो है ना हैंड ओवर कर दिया है। ये सारी एफर्ट जो है ये कमेटी के साथ मिलके एक एग्जांपल है ब्लेसिंग इन यूनिटी की, और हम सब ने मिलके साथ काम करना है, और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ जब तक पाकिस्तान के लोगों के फ्लड रिलीफ का एफर्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। हम सब मिलके काम करते रहेंगे। बीइंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डेलीगेशन व्हिच वेंट टू पाकिस्तान, आई हैव सीन एवरीथिंग विद माय ओन आईज, ऑल द डेवास्टेशन दैट हैज हैपेंड
happened in Sindh. My request to everybody is to come forward and continue to contribute, as Helping Hands and Disaster for Relief is continuing to build a lot of homes. They are helping a lot of pregnant women over there. They are doing a tremendous job, especially in the healthcare. So my request again to everybody is to come forward and continue to help everybody. हम पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क के लिए, ब्लड विक्टिम्स के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए जो भी किया वो कम है। मैं दरख्वास्त करूंगा जिन लोगों ने नहीं किया है, और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी हो, जितना भी हो, अपने बहन भाइयों, अपने मुल्क के लिए करें। आप हालात देखें कि एक पूरे ख़ानदान का घर पानी में डूब गया, उसके पास रहने की जगह नहीं है, उसके पास खाने पीने की नहीं है, तो आपको अल्लाह इसका ज़रूर सवाब देगा। दिल खोल के जो भी आप कर सकें प्लीज़ कर। लास्ट ईयर हम लोगों ने फ्लड रिलीफ एफर्ट्स के लिए काम किया था। वी हैव रेज $1 million, जिसका $500,000 का चेक हमने भिजवा दिया था पाकिस्तान, और टुडे जो रेस्ट ऑफ द $500,000 हैं उनका चेक हमने आज डिलीवर कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हमने इन काइंड डोनेशंस, जिनकी मालियत ऑलमोस्ट $1 million से अबव थी, $1.5 million की, वो भी भिजवा चुके हैं पाकिस्तान। एंड यहाँ पे हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट के वेयर हाउस में ह्यूस्टन में, और यहाँ पे हमारी एक तकरीब हो रही है, जो कि हमने जब पाकिस्तान में फ्लड आए थे तो उस सिलसिले में जो अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ के साथ मिलकर काम किया था, तो उसी सिलसिले में तकरीब है। साथ में आप जानते हैं कि इस साल के आगाज पे ही टर्की और सीरिया में काफ़ी बड़ा सानहा हुआ है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, और वहाँ पे भी हम अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग तकरीबन सीरिया के अंदर हम अगस्त के महीने से पहले 570 होम्स बनाएंगे। इसके अलावा रमज़ान के एंड तक, तकरीबन अप्रैल के 30 तक, रोज़ाना 2000 मील्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को सीरिया में भी और टर्की में भी। और हमने रजिस्ट्रेशन के लिए भी अपनी अप्लाई किया वहाँ पर टर्की में, साथ में हम लोग सीरिया में हमें सर्टिफिकेशन मिल गई है, एंड वी आर वर्किंग इनसाइड सीरिया एज वेल। और इसमें हम अलायंस भी जो है वो हमारे साथ तामन कर रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तमाम ह्यूस्टन कम्युनिटी, तमाम यूएस कम्युनिटी से अपील करते हैं कि इन दोनों चीज़ों में पाकिस्तान के फ्लड रिलीफ की जो रेपेंट एफर्ट है, और जो टर्की और सीरिया के लोगों के लिए जो हेल्प होती है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जजाकल्लाह खैर।